अमेरिकी राष्ट्रपति का पुतिन पर गंभीर आरोप, यूक्रेन के कल्चर और पहचान को खत्म करना चाहते हैं पुतिन। बाइडेन ने कहा है यूक्रेन पर हमले के तरीके पर बाइडेन ने यह सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से हमले कर रहा है रूस यूक्रेन पर, बाइडेन ने कह दिया कि कल्चर को खत्म करना चाहते हैं पुतिन। बिल्कुल, और बाइडेन का पुतिन पर डायरेक्ट अटैक देखने को मिला है। पुतिन यूक्रेन के कल्चर और उसकी पहचान को खत्म कर देना चाहते हैं। रूसी फोर्स स्कूल, नर्सरीज, अस्पताल और म्यूजियम पर हमले कर रही है। इसके पीछे साफ साफ इरादा है कि यूक्रेन को हर तरह से खत्म कर देने का प्लान है। ये युद्ध कानून पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर पर सीधा हमला है, जो बाइडेन ने ये कहा है। सर, जो स्थितियां हम देख रहे हैं, वाकई में रूह जंग के भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, लेकिन ये तमाम कायदे कानून यूक्रेन में टूट गए हैं। और जो बाइडेन कह रहे हैं उनकी बातों में दम भी नजर आ रहा है। इस तरह के डिस्ट्रॉय करके इस पूरे देश को, रशिया को हासिल क्या होगा? या तो वो इस देश को जीत ले, लेकिन इस तरह से बर्बाद करके किसी देश को हासिल क्या होगा उसको? देखिए, ये जो जब वॉर होती है तो उसमें कोलेट्रल डैमेज तो होता ही है, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी वेपन है इतना एक्यूरेटली वो आप उसको फायर नहीं कर सकते कि आप एक पिन पॉइंट आप अटैक करेंगे। तो नहीं, लेकिन अस्पताल आपका क्या बिगाड़ता है ऐसे अब, और टारगेट करके स्कूलों पर हमला, अस्पतालों पर हमला, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, आप बेसिकली आप जो आपका एनिमी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय करके आप उसको घुटनों पर लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कोई भी देश है वो नहीं चाहेगा कि अगर हम कल को युद्ध जीत भी जाते हैं तो उसके बाद नष्ट भ्रष्ट देश का हम क्या करेंगे, कैसे उसको हम रिबिल्ड करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।